सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रिव्यू करने जा रहे हैं अपन इसका। भाई धूप आ रही है बहुत तेज़। तो ये रही क्लासिक 350 और आप देख सकते हो ग्रीन कलर में। तो कैमरे को फ्लिप करते हैं और इस पे चलते हैं। चलो ये रही क्लासिक 350। चाबी से स्टार्ट करेंगे अपन। तो मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ की मिल जाएगी। पहले रेड आती थी, अब ब्लैक कर दी गई है। वेव की मिलेगी आपको, काफ़ी बढ़िया। और मैं सही बताऊँ तो ये काफ़ी नई गाड़ी है। आपको मैं सब मीटर दिखा देता हूँ। कल ही शोरूम से आई है और रिव्यू के लिए आ गई है। और ये 80 किलोमीटर चली है, कुछ इतना ही चली है। ये देखो पूरी लुकिंग देख लो एक बार। सारी लाइट बल्ब है इसके अंदर। पीछे दो इंडिकेटर मिल जाएंगे जो बल्ब है। देखो पन्नी भी नहीं होती अभी तक, ये भी बल्ब है। यहाँ पे टेम्परेरी नंबर प्लेट है। एग्जॉस्ट दे रखा है क्रोम फिनिश के अंदर, ग्रीन कलर। उस पर ये स्ट्रिप देखिए काफ़ी शानदार, थोड़ी गंदी हो रही है। यहाँ पे पूरा सस्पेंशन बढ़िया सॉफ्ट है। ऐसी बात नहीं है स्टिफ है, नहीं सॉफ्ट है सस्पेंशन। काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा आपको। क्रोम फिनिश के अंदर आपको लेग पूरा एग्जॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी साउंड काफ़ी बढ़िया है। फुट रेस्ट की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी बड़े बड़े फुट रेस्ट है। तो मेरी वाली मुझे कमी महसूस होती है यार, पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन पीछे का ब्रेक ये रहा काफ़ी अच्छा। पीछे ड्रम मिलेगा आपको, आप देख सकते हो पीछे इसके अंदर केवल। आगे ABS आता है। आगे ABS की जो साइज़ है, मतलब जो डिस्क की साइज़ है, वो है 300 mm की डिस्क मिलेगी आपको। और ये 41 mm के फोक्स मिलेंगे नॉर्मल, कोई अप साइड डाउन नहीं है। लेकिन सॉफ्ट है आगे का सस्पेंशन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। पीछे से भी ज़्यादा सॉफ्ट लगे मुझे। तो टायर्स देख सकते हो आप। तो आगे वाले टायर का सेक्शन है, वो है 190/19 19 इंच के टायर है। और आगे आपको स्पोक्स मिलेंगे। तो ये ट्यूब वाले टायर है, ट्यूबलेस नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर पंचर वंचर हो जाए, तो इन फ्यूचर ध्यान रखना चीज़ का। रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है। बाकी वो राइड पर बात करेंगे, इतनी ज़्यादा चला के बताएंगे आपको कैसा है। इंजन के बारे में बात करें तो ये रहा इंजन इसका। ऊपर क्रोम, नीचे देन मैट के अंदर ब्लैक दे रखा है, देन क्रोम फिनिश के अंदर दे रखा है रॉयल एनफील्ड। नया इंजन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। क्लच केबल देखो, पावर ये 20 देगी और इसका जो टॉर्क मिलेगा वो 27 Nm का मिलेगा 4000 RPM पे। तो मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा पावर आपको महसूस नहीं होगी। हाँ, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, कोई से गियर में उठाओ काफ़ी बढ़िया उठेगी। हॉर्न सिंगल हॉर्न कर दिया है, पहले डबल आते थे, अब सिंगल कर दिया। और चेसी भी बदल गई है, देखो पहले केवल एक रोड आती थी, अब दो रोड आने लगी है। मैं हॉर्न सुना देता हूँ आपको इसका, और ये रहा इसका हॉर्न। ये देखो काफ़ी बढ़िया साउंड है। हैंडल की बात करें तो क्लच ब्रेक स्विचेस की क्वालिटी अच्छी लग रही है। हजार्ड यहीं पे मिल जाएगा आपको इसके अंदर, बस ये हजार्ड ऑन और नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे बात करें पास, हाई बीम, लो बीम, ये मोड का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा मोड का बटन। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड देन हॉर्न जो आपको सुनाई दिया मैंने अभी अभी। बाकी आगे से देखते हैं इसी लुकिंग को। दो पायलट लाइट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लगती है, जो हमेशा चालू रहेगी। ये चाबी घुमाई और ये देखो चालू। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। हेलोजन लाइट मिलेगी, हेलोजन इंडिकेटर मिलेंगे आपको, दोनों हेलोजन ही है। LED का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, क्रॉस कटिंग है काफ़ी ज़्यादा इस बाइक के अंदर। लेकिन जो भी है देखो, लोग जो जिसको ये बाइक पसंद है वो तो लेगा ही लेगा, उसको कोई और बाइक नहीं चाहिए। हैंडल बार काफ़ी बढ़िया है। देखो ग्रिप, मुझे सच बताओ मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मजबूत और सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, काफ़ी बढ़िया है। ये रही रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, यहाँ पर थाई ग्रिप दे रखी है आपको, बढ़िया। और टैंक की साइज़ है वो 13 लीटर की है, 2.5 लीटर का कुछ रिजर्व मिल जाएगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ कैप वैप है, कलर काफ़ी शानदार है, ग्रीन कलर। अपनी वाली थोड़ी ज़्यादा लाइट के अंदर है, ये वाली थोड़ी डार्क के अंदर है, लेकिन ग्लिटरी ग्लिटरी है, अच्छे से देख पाओगे तो ग्लिटरी ग्लिटरी, बढ़िया। 5 गियर मिलेंगे, बढ़िया गियर, काफ़ी स्मूथ है। पहले थोड़ा सा होता था, लेकिन हाँ अब जाके स्मूथ हो गया काफ़ी ज़्यादा। एक नीचे, चार ऊपर, काफ़ी बढ़िया है। टॉप स्पीड आपको 120 की मिल जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। 80 की क्रूजिंग स्पीड है, जहाँ पे आपको ये सबसे अच्छा एवरेज देगी। पीछे लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट भी है, आप लेडीज़ को बिठा सकते हो। सारी गार्ड दे रखा है, काफ़ी बड़ा सारा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, काफ़ी अच्छा है। और पीछे का टायर सेक्शन 120/80/18, तो ठीक है, लेकिन काफ़ी मोटा हो सकता था। और वही यार, स्पोक्स का इस्तेमाल हुआ है तो पंचर हो सकता है ट्यूब है टायर के अंदर, तो देख लेना। यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया हुआ है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। भारी गाड़ी है, कम से कम ये 195 किलो की गाड़ी है ये, तो उसके अंदर ये होना भी चाहिए गाड़ी को इधर उधर करने के लिए। सीट की बात करते हैं, भाई भाई ये हद सॉफ्ट सीट है ना,
ये देखो सॉफ्ट भाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही। देखो साइज़ देखो एक बार पीछे वाली सीट का, बहुत बड़ा साइज़ है। काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को वैसे सीट इसकी, काफ़ी सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली। बाकी ये पीछे पकड़ने के लिए दिया हुआ है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ पकड़ सकता है पीछे वाला बंदा इसको अच्छे से, ये है। तो आई थिंक ये सारी बातें हो गई है, सो आई थिंक सारी बातें हो गई है बाइक के बारे में। अब जो भी बात है इसको चला के करेंगे। इसके अंदर आपको मेन स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा, और साइड स्टैंड देखो यार कितना छोटा सा है, साइड स्टैंड थोड़ा छोटा सा है, पहले काफ़ी बड़ा आता था, आजकल छोटा कर दिया गया, लेकिन ठीक है जो भी है बढ़िया है अपने लिए। तो बाकी देखो वजन उठा रहा है वही बहुत है, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा है। एक बार गाड़ी आपने हल्की सी टिल्ट कर दी और नहीं संभली तो फिर ये गिर के रुकेगी, ऐसे नहीं रुकने वाली। आप सोचो संभाल लोगे, नहीं भाई वजन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। बाकी 13 लीटर का टैंक है, रेंज काफ़ी अच्छी है। देखो कंपनी क्लेम करती है कि माइलेज अच्छा देगी, मेरे को तो नहीं देती थी, 28, 29, 30 मुश्किल से एक बार दिया था 30 का, उसके बाद में तो उसने दिया ही नहीं कभी 30 का, भी सेल आउट ही हो गई वो तो। लेकिन हाँ ये वाली बाइक अभी बता रहे हैं कि अच्छा माइलेज दे सकती है, 32-33 से लगभग ऊपर रहता है संभाले, तो बढ़िया है। देखो इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा है कि यार माइलेज भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर। क्रॉस कटिंग की बात करें तो अपसाइड डाउन फोक्स आ सकते थे, नहीं दिए, कोई बात नहीं। पीछे ABS आ सकता था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और हॉर्न सिंगल कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी एक चीज़। और बताएं तो देखो मीटर में यार काफ़ी क्रॉस कटिंग है, केवल आपको स्पीड मिलेगी ना RPM का कुछ मिलेगा, आपको ये न्यूट्रल बता देगा, पेट्रोल का साइन आ जाएगा इसके अंदर जब भी प्रॉब्लम होगी तो, और ABS का एंड बैटरी का साइन, दोनों का साइन है। पेट्रोल का साइन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिप है 1-2, मैं ट्रिप दिखाता हूँ, ये अभी 2 चल रही है, टाइम भी मिल जाएगा। देखो टाइम बढ़िया है, वैसे टाइम की जरूरत पड़ती है। ओडो भी, जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी कि यार ठीक है अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन राइड पे यार इतना वो, अगर ये साथ में होता है ना टाइम भी, अगर साथ में देख सकते सब कुछ साथ में दिखता तो ज़्यादा बढ़िया होता। पेट्रोल का इंडिकेटर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बस, ठीक है। मिरर्स निकाल दिए, मैं मिरर्स का रिव्यू नहीं दे सकता, क्या करें अब, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं लोग। मैं तो भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, मिरर्स लगा के रखो, बहुत ज़रूरी है, सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, तो भाई ये कुछ बाइक की आवाज़ है, काफ़ी शानदार आवाज़ है, मुझे काफ़ी पसंद है। देखो मुझे ज़्यादा रोला पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ है। पहले चुपती थी वो यार, पंजाबी साइलेंस है वो सब चुपते थे, अब देखो कितना बढ़िया कर दिया, चुप भी नहीं रहा है, हाथ नहीं लगाऊंगा, गर्म है क्योंकि, है ना। बाकी डिक्की विक्की मिल जाती है आपको इसके अंदर, आप सामान वामान रख सकते हो। देखो काफ़ी बढ़िया बाइक है, बाकी अब जो भी बातें वो सब चलाते होगी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टिल में काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, अब आ गए हैं अपन मोटो व्लॉगिंग पर, और आपको दिखाने वाला हूँ मैं ये शानदार बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, सॉरी शायद टंग स्लिप हो गया, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और काफ़ी बढ़िया बाइक है, काफ़ी फन है, अपनी डोमिना साथ में चली रही है, ठीक है। तो बाइक के बारे में बातें करते हैं यार, कम्फर्ट के बारे में बातें करते हैं, कंफर्ट अच्छा है, मैं अपराइट बैठा हूँ काफ़ी ज़्यादा, सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सीट की बात अलग ही लेवल पर है, मैं सच बता रहा हूँ, सीट में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, गद्देदार सीट है, काफ़ी कुछ नहीं, ठीक है। मीटर वीटर देख सकते हो आप, बिल्कुल नई गाड़ी, 78 किलोमीटर डन, ओनली 78 किलोमीटर डन है, नंबर प्लेट कुछ नहीं चढ़ी हुई है, तो अभी थोड़ा सा देख के ना। बाकी लीवर्स की बात करते हैं, लीवर्स की क्वालिटी काफ़ी शानदार है, क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बढ़िया ब्रेक्स लग रहे हैं अच्छे, पीछे ड्रम मिलेंगे, आगे एक सिंगल डिस्क मिलेगी आपको 300 mm की, जिसके अंदर ABS मिलेगा आपको। ब्रेकिंग चेक करें, ये पुल देख लेते हैं ब्रेकिंग की जगह, नाइस पुल। आगे वाले सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं यार। मेरे पास जो वो थी ना थंडरबर्ड, उसकी तो बात ही मत करो भाई, उससे तो मैं लिटरली आप ये बोल सकते हो मैं दुखी था उससे तो एक बार को, लेकिन इसमें फन है थोड़ा सा। पेट्रोल का इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है डिजिटली। तो टैंक की बात करते हैं, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ग्रीन कलर, अपनी भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन ये थोड़ा डार्क अंदर है। फ्यूल कैप दे रखी है आपको, इसमें थोड़ा पानी चला जाता है वॉशिंग के टाइम पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये थोड़ी जगह से हाँ ठीक है, लेकिन वो वक्त साथ ही हो जाएगी। ब्रेक फ्लूड रिजर्वायर काफ़ी अच्छा है, स्विचेज यहाँ पे दे रखे हैं आपको, स्विचेज की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा प्रीमियम एकदम, लेकिन हाँ अच्छी है यार, आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने में। और हेडलाइट सारी हेलोजनी है इसके अंदर, कोई LED नहीं मिलेगी जहाँ तक है, पीछे भी बल्ब है, आगे भी बल्ब है, सब जगह बल्ब है, टोटल बल्ब है,
पिकअप पिकअप बढ़िया है, आगे के सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है। देखो डाइव कैसे हो रही है, देखो नाइस डाइव, नाइस एकदम नाइस, काफ़ी फन है। राइड क्वालिटी की बात करें तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि रॉयल एनफील्ड इतना कंफर्ट राइड दे सकती है कभी भी इन फ्यूचर, लेकिन हाँ जब देखो मेरे पास थी तब तक तो कंफर्ट नहीं थी, सीटिंग कंफर्ट थी लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रिप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब ये भी सॉफ्ट है यार सच है, ठीक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। हैंडल आप देख सकते हो काफ़ी लाइट है, लाइट नहीं है बाइक बिल्कुल लाइट नहीं, हैंडलिंग काफ़ी लाइट है, आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। कॉर्नरिंग ले नाइस आई लाइक इट, ज़्यादा कंफर्ट, देखो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कंफर्ट नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको बिल्कुल इस बाइक के अंदर, लेकिन हाँ आप ठीक है छोटी मोटी कॉर्नरिंग हल्की सी छोटी मोटी टूरिंग रेगुलर बेसिस पे चलाना ज़्यादा वो अच्छा रहेगा आपको, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप रेगुलर बेसिस पे चलाओ इसको आपको फन आएगा। अच्छा पिकअप है, साउंड साउंड पहले तो काफ़ी कम कर दिया है लेकिन ठीक है पिकअप भी अच्छा है। साउंड तो यार देखो VS6 VS7 ऐसे आते आते साउंड थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, उसका क्या कर सकते हैं अपन। इसके अंदर आपको मीटर मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे से, और स्पीड देखो 120 ऊपर नहीं जाएगी, चाहे मीटर में 160 ही दे दे कंपनी लेकिन जाती है 120 ऊपर नहीं है ये, इसका ध्यान रखना आप। दूसरी चीज़ इसके अंदर इंडिकेटर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इंडिकेटर शो हो जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर दिया आपने, लेफ्ट दिया राइट दिया, ये एक बात है। देन पेट्रोल मिल जाएगा आपको यहाँ पे ट्रिप मिल जाएगी, और यहाँ पे मोड का बटन होगा, ये हॉर्न है लाइक नाइस एंड स्वीट हॉर्न, इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है लेकिन ठीक है, 1000 स्विच यही मिल जाएगा आपको, यहीं से 1000 चालू हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मेरे को काफ़ी सी कमी महसूस होती है अपनी बाइक के अंदर। लेट्स गो, आई देखो तो अच्छी बाइक है यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरी बाइक है या क्या है, लेकिन आई थिंक आपसे जो प्राइस ली जा रही है 2,33,000 की जो प्राइस ली जा रही है ना आपसे, सिंगल ABS जो लिया जा रहा है पैसा आपसे, वो मुझे वर्थ इट कभी नहीं लगेगा, ना भी ना इन फ्यूचर, क्योंकि यार पहली चीज़ सिंगल जन ABS भाई, ये क्या है रॉयल एनफील्ड भाई, आपने सॉफ्टनेस कर दी, चलो बढ़िया है सॉफ्ट बाइक अच्छी लगती है और किसी को वाइब्रेशन फ्री, लेकिन यार ये क्या मतलब हुआ कि आपने उसमें से ABS नहीं दिया, एक पीछे भी दे देते, पीछे ड्रम दे रखा है, ब्रेक की फील बताऊँ सच में जो ब्रेक कैसा फील आता है या कैसा महसूस होगा आपको, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं अराउंड 40। पीछे का ब्रेक तो यूजलेस है मेरे लिए, तो यूजलेस है क्योंकि उसमें बाइट बिल्कुल नहीं है, आगे का ब्रेक अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं है कि आप यार इसको 100-120 पे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, लेकिन हाँ ब्रेक अच्छा आपको अच्छा लगेगा कि यार मतलब अच्छा ब्रेक है, इतना ज़्यादा वो नहीं किया। बाकी यार क्रॉस कटिंग काफ़ी ज़्यादा है, LED कुछ LED नहीं है भाई, एक पीस LED नहीं है इस बाइक के अंदर, मीटर दे दिया है बस, जो मुझे अच्छा लगा है कि यार मीटर चलो डबल दे दिया है, पहले तो कुछ ही नहीं आता था, पहले तो फ्यूल इंडिकेटर भी, देखो फ्यूल इंडिकेटर दिया तो है लेकिन वो काम करता है नहीं करता उस पर पता नहीं है मेरे को, उसका थोड़ा आइडिया कम है क्योंकि पहले जब मेरे पास थी उसका तो काम नहीं करता था, एटलीस्ट मैंने कई बार चलाया उसको भाई, एक बार तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, धक्का मार के लेके जानी पड़ी थी बाइक, क्यों, क्योंकि उसका फ्यूल वाला वो ढंग से बताता नहीं है, मैंने कंपनी में दिखाया कि यार ये क्या हुआ, तो कंपनी बोलती है भैया ये ऐसा ही है कुछ भी नहीं है ऐसा सोल्यूशन, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं है, तो नहीं बताता सर ये सही, मत बता भाई पैसा लग गया हमारा, तो मीटर देखो पूरा अच्छे से 160 तक सेल, और ये पुल साउंड सुनना देता हूँ मैं आपको बाइक की, ठीक है 80 तक पहुंच गए, अच्छा अच्छा है पुल, इतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। ब्रेक्स
पीछे का बेकार है, यूजलेस है, लगता ही नहीं है। आगे का बहुत बढ़िया है, आगे का आपको अच्छा फील देगा। देखो डाइव मारेगी बाइक आगे की साइड, तो थोड़ा यूज टू हो जाना इससे। क्या है कि सॉफ्ट सस्पेंशन में ऐसे थोड़ा होता है कि डाइव मारती बाइक आगे, किसी को थोड़ा अनयूजल भी लग सकता है, लेकिन हाँ ये ठीक है। सॉफ्ट सस्पेंशन आपको काम करेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर। हाईवे पे यार पाँच गियर की कमी है, छठे गियर की कमी, मतलब पाँच ही गियर के अंदर छठे गियर की कमी है, तो यार आपको एक गियर की कमी महसूस होगी, लिटरली आपको एक गियर की कमी तो महसूस होगी ही होगी। आप सोचोगे कि भाई मैं इसको 120 पे क्रूज़ कर लूँ, नहीं यार 120 पे क्रूज़ नहीं कर सकती है बाइक। पहले तो इसमें RPM का इंडिकेटर नहीं है, दूसरी चीज़ इसमें इतना वो नहीं है, पावर नहीं आता हाई एंड के अंदर। हाई एंड में जाके ये सेटल हो जाती है एकदम, टॉक कर्व इसका बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो आपको एकदम मज़ा नहीं आएगा इसमें। हाँ बीच में मिडल इसका तो पुल जो फर्स्ट है, जो लो एंड टॉर्क का जो मिड है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। देखो केवल आगे वाला ब्रेक और ये देखो, बढ़िया बाइक, नाइस। गियर का भी सॉफ्ट है यार, गियर सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा, अच्छा लग रहा है। गियर सॉफ्ट है, नई नई बाइक है ना, अभी शोरूम से निकली है तो इसलिए भी शायद हो सकता है, लेकिन हाँ गियर सॉफ्ट है, पन्नी भी नहीं उतरी है, तो बाइक अच्छी है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन यार इसमें क्रॉस कटिंग बहुत सारी जगह कर रखी है यार, आगे आपको टेलीस्कोपिक दे रखे हैं भाई, अपसाइड डाउन हो सकते थे ये, लेकिन कोई बात नहीं, रॉयल एनफील्ड एक जगह कर लिया, काफ़ी जगह कर लिया, LED बल्ब यहाँ कर लिया, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आता वैसे, एक चीज़ सच बताऊँ तो आपको आप सोचो इसमें इंडिकेटर आता है, नहीं आता भाई कोई, इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा गियर है क्या है, कुछ नहीं, बस दिमाग लगाओ गाड़ी चलाओ, बढ़िया मज़े करो गाड़ी के साथ, बहुत फन गाड़ी है, ऐसे सॉफ्ट है, सिटी के लिए अच्छी है। हाँ थोड़े एजड हो तभी अच्छा है, बाकी टैंक देखो काफ़ी चौड़ा है, तो मतलब काफ़ी चौड़ा है टैंक, काफ़ी चौड़ा है, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, इतने चौड़े टैंक की आदत नहीं है ना, तो चौड़ा है काफ़ी टैंक, काफ़ी ब्रॉड बैठा हूँ मैं, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड देन ऑल। तो अभी बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, फन टू राइड बाइक है, प्राइस मैंने बताई दी है, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद करो। चलो आपको होपफुली आपको वीडियो देखो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।